हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिर्फ इसी चैप्टर में काम आने वाला है। इसकी जो टर्म है ना, रिस्क रिटर्न, ये आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है, ठीक है? तो इसको समझोगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे पता लगा कि कौन सी सिक्योरिटी परचेस करना है, कौन सी नहीं करना है, एक जगह पैसा लगाना है कि अलग अलग जगह पैसा लगाना है, ये बहुत कुछ पढ़ना, थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है। तो टोटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हमने पांच पार्ट में, छह पार्ट में डिवाइड कर रखा बेसिकली। तो पहले हम लिख लेते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हम किस तरह से पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है? तो चैप्टर का नाम लिख लूं पहले। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इसको जो पढ़ेंगे ना, कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर वन, और पार्ट नंबर वन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। जिसको हम लोग एमपीटी बोलेंगे, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। और सर पार्ट नंबर टू में क्या आएगा? यस, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू में आएगा कैपिटल मार्केट थ्योरी। जिसको हम बोलेंगे सीएमटी, कैपिटल मार्केट थ्योरी। इसके अलावा पार्ट नंबर थ्री, इसमें पढ़ेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। जिसको हम क्या बोलेंगे? ए पी टी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। पार्ट नंबर फोर, इसके बाद पढ़ेंगे शार्फ, ऑप्टिमाइजेशन, शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क, ठीक है? इसके बाद आएगा हमारा पार्ट नंबर फाइव, और इसमें पढ़ेंगे एफिशिएंट मार्केट। हाइपोथेसिस, ई एम एच, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। नाम पर मत जाना, नाम से आप सोचोगे पता नहीं क्या पढ़ने वाले, बट ये सब लॉजिकल है हर चीज। एंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर सिक्स, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। बस, तो टोटल मिलाकर हमारा पोर्टफोलियो जो खत्म होगा वो तीन छह पार्ट में होगा। अच्छा, प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल ने क्या कर रखा है कि जैसे पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का एक क्वेश्चन तो म्यूचुअल फंड में डाल दिया, एक क्वेश्चन पोर्टफोलियो में डाल दिया। अगर मैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की बात करूं तो इसका एक क्वेश्चन कहाँ डाला हुआ है? तो सिक्योरिटी एनालिसिस में डाला हुआ, हमने प्रॉपरली सेट कर लिया। तो कभी अगर मैं, आप प्रैक्टिस मैनुअल से मिलाते हो
तो कभी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, वो किसी और चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप चिंता मत करना, 100% कवर है। अच्छा, ये जो तीन पार्ट्स हैं इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ये सब टेक्निकल पार्ट्स है, जो था मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल मार्केट थ्योरी, आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी। और जहाँ तक इन तीन पार्ट की बात करूँ तो बिल्कुल कम समय में काम हो जाएगा, जल्दी 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 कर लेंगे। मतलब इसके लिए बहुत कम क्लासेस लगेगी, इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस लगेगी। ये कोई 7-8 क्लास का चैप्टर होगा अगर आप 3-3 घंटे की बात करो, पर ऐसा तो हम क्लास वाइज तो है नहीं, तो टॉपिक वाइज देख लोगे कितना टाइम लगेगा, कवर हो जाएगा, ठीक है? तो सर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अच्छा ये तो बताओ कि पोर्टफोलियो क्या है, बट मैं सारी बातें कर रहा हूँ, पहले आप स्टार्ट करते, पार्ट नंबर 1 लिखते, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी लिख लेते, और फिर सारी बातें समझते क्या है पोर्टफोलियो, किस तरह से मैनेज करते, ये सारी बात। तो लिखोगे पार्ट नंबर 1, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। सर बता सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है बेटे? ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, पर इसका क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं मानूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ नाम लिख दूँ, पार्ट नंबर 1, नाम क्या है? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। सर ये थ्योरी जो है ये लिखा किसने? इसको बोलोगे MPT, और इसको जो लिखा है बाय एक विदेश का आदमी है जिसका नाम है हैरी मार्कोविच, इसने लिखा है बेटे ये थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अच्छा सर ठीक है, अब समझाओगे क्या होता है? हाँ बेटे, अब मैं सारी बातें समझा रहा हूँ, धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान से मेरी बात समझना है। तो पहला पार्ट कर रहा है, और ये पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि मैं आपसे एक बात बोलूँ कि अगर मैं पार्ट नंबर 2 करवाने वाला हूँ, तो पार्ट नंबर 2 करवाऊंगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे पार्ट नंबर 1 मतलब MPT का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को अब हम किस नाम से पुकारेंगे? MPT। और ये थ्योरी कौन लिखा है? मार्कोविच, ठीक है? सर अब ये बताइए पोर्टफोलियो क्या? चलो भाई अब बात हो जाए सारी की सारी। हाँ सर सुनोगे मेरी बात ठीक से? मान लो यार हमारे पास 10 लाख रुपए रखे हुए, 10 लाख रुपए बहुत होता है, इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके। तो पहले मैं सोचता हूँ क्यों ना सारा की सारा पैसा रिलायंस में लगा दूँ, पूरा 10 लाख रुपए। पहला तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना पूरा 10 लाख रुपए रिलायंस कंपनी में लगा दूँ, बात खत्म। दूसरा सोचता हूँ यार क्यों ना 10 लाख पूरा नहीं लगाता हूँ, एक ऐसा भी सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे रिलायंस, अच्छी कंपनी में मना नहीं कर रहा हूं, पर कुछ पैसे रिलायंस में लगा देते हैं, कुछ पैसे टिस्को के शेयर खरीद लेते, टिस्को में लगा दो 2 लाख रुपए, कुछ पैसे विप्रो में भी लगा देते, ये भी अच्छी कंपनी है 1 लाख रुपए, कुछ पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के शेयर खरीद लेते 1 लाख रुपए, और कुछ पैसे चलो गोल्ड क्यों ना खरीद ले, यस 1 लाख रुपए। तो 3 और 2 5 और 5 10, मैं इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब बताओ कि कौन सा तरीका अच्छा है? बस ये सोच लिया मतलब पोर्टफोलियो खत्म हो गया। क्या पूरा पैसा 10 लाख रुपए रिलायंस में लगा ले, या तो कुछ पैसा रिलायंस में, कुछ पैसा टिस्को में, कुछ पैसा विप्रो में, SBI में गोल्ड खरीद ले, क्या अच्छा है? सर रिलायंस तो ज्यादा रिटर्न देगा, तो रिलायंस बेटे रिलायंस ज्यादा रिटर्न देगा मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा पैसा मैंने रिलायंस में लगा दिया और रिलायंस में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ गई, सुनना ध्यान से, इंटरनल प्रॉब्लम आ गई तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा? जैसे
किंगफिशर भी किसी जमाने में अच्छी कंपनी थी, अभी भी है लोग मानते, पर एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, किंगफिशर आप खुद सोच लो, विजय माल्या, उस समय पता नहीं लोगों ने किंगफिशर में पैसा लगाया होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो डर है। बिल्कुल, उस समय अच्छी कंपनी थी, ऐसी बहुत, सत्यम भी एक जमाने में, सत्यम का नाम तो सुना होगा, जब सत्यम के विषय में सोच रहे थे तो उस समय हमें पता ही नहीं था कि क्या इंटरनल प्रॉब्लम आ सकती है, पर आई। और जिन्होंने सिर्फ सत्यम में पैसा लगाया था वो तो बर्बाद हो गया। ठीक, मैं ये बात बोल रहा हूँ, भगवान ना करे रिलायंस को कुछ हो, पर क्यों रिस्क ले? ऐसा करते हैं ना, रिलायंस में, टिस्को में, विप्रो में, SBI में गोल्ड खरीद लेते, एक साथ अलग अलग जगह पैसा लगाया, एक साथ सब में इंटरनल प्रॉब्लम थोड़ी ना आ सकती कि पता लगा रिलायंस में भी, रिलायंस वाला भी भाग गया, टिस्को वाला भी, विप्रो वाला, ऐसा नहीं होता। तो बताओ क्या अच्छा है? सर, अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, हाँ, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम आएगी तो किसी एक कंपनी में आ गई तो बचा पैसा, पैसे तो बच जाएंगे हमारे, दिस इसको कहा जाता पोर्टफोलियो। सर अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरा बजट, पूरा मार्केट ही गिर गया, पूरा मार्केट गिर गया, इकोनॉमी हमारी बुरी तरह से गिरी, तो अगर आप अलग अलग जगह पैसा लगाओगे तो क्या बच जाओगे? तो नहीं बच पाऊंगा बेटे, बस यही बात पूरे पोर्टफोलियो में डिस्कस करनी है। इंटरनल प्रॉब्लम की मैं बात करूं, खैर वो अब मैं आगे चला गया, CAPM कैपिटल मार्केट थ्योरी पे चला गया। अभी सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, पैसे एक ही कंपनी में एक ही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि अलग अलग जगह? अलग अलग जगह, और अलग अलग जगह करने से क्या फ़ायदा है? जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं तो आप इसको नाम देते हो डाइवर्जिफिकेशन। ठीक, आपने अपना फंड डाइवर्जिफाई कर दिया। अगर मैं ये सारा लेक्चर नहीं भी देता तो मुझे सच बताओ, क्या ये आपको पहले से पता था कि हमको अलग अलग जगह पैसा लगाना? हाँ, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि इतनी बड़ा चैप्टर बना दिया गया है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी? बस अब यही हमको समझना है कि हमको पता तो है कि अलग जगह पैसा लगाना, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? हमें मालूम है हम लगा लेंगे अलग अलग जगह। तो चलो मार्कोविट्ज से पूछते हैं कि मार्कोविट्ज कौन है जिन्होंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी लिखा है, कि बताइए मार्कोविट्ज, आप हमको तो पता है, सारी दुनिया को पता है कि अलग अलग जगह पैसा लगाना, वो सब लगाते हैं, तो आप ऐसी क्या चीज बताना चाहते हैं? तो अब सुनो बेटे मार्कोविट्ज क्या बोलेगा। अब मार्कोविट्ज की बात सुनना ध्यान से। मार्कोविट्ज बोलेगा कि अच्छा, अब सुनोगे बेटे, बड़े काम की चीज है, यही आखिरी तक हमारा ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं कि MPT का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार ऑब्जेक्टिव पता लगा तो फिर धीरे 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 उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटे मार्कोविट्ज बोलता है कि मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है राम, और उसके पास 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, और वो बैंक में पैसा जमा करने जा रहा है, और बैंक वाला 10% इंटरेस्ट देगा। ठीक ठीक है, हालांकि मार्केट में भी पैसा लगा सकता है, शेयर मार्केट में भी लगा सकता है, रिटर्न भी ज्यादा आएगा। अच्छा एक बात और पूछ लूं, जरा ये बता सकते हो, जैसे यार हमारा सेंसेक्स निफ्टी तो समझते हो आप लोग, हाँ एक बार बताओ, शेयर मार्केट में तो हर मिनट में फ्लक्चुएशन होता है निफ्टी सेंसेक्स में, हाँ, तो उसकी वजह से हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, बैंक में के रेट ऑफ इंटरेस्ट में डेली चेंज होता होगा कि नहीं? अगर मैं बैंक वाले के पास जाता हूँ पैसे जमा करने, मैं पहले पूछता हूँ कि भैया जमा करने पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो फिक्स हो गया, बात खत्म। ये अलग बात है कि RBI रेट चेंज कर दे तो वो अलग मैटर, पर ऐसा ना के बराबर चांस है, डेली फ्लक्चुएट नहीं होता। इसका मतलब राम अगर 1,00,000 रुपए यहाँ जमा कर दे बैंक में, तो पक्का पक्का कितना रुपए मिलेगा? 10,000 रुपए मिलेगा। इसको बोला जाता है रिस्क फ्री। स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन होने से इधर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मुझे 10,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब राम चला, राम बहुत खुश है, पैसे जमा करने जा रहा पैसे, तो मार्कोविट्ज राम को रोक लेता। मार्कोविट्ज कौन है जिसने MPT लिखा? मार्कोविट्ज बोलता है, राम सुनो कहाँ जा रहे हो? बोले मैं यहाँ जा रहा हूँ बैंक में। बोले मत जाओ, आप क्यों नहीं मार्केट में पैसा लगाते हो? बोले नहीं नहीं
मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो पैसा मेरा डूब भी सकता है, जबकि यहां पैसा लगाऊंगा 1 लाख रुपए तो मुझे 10,000 पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो हम राम को समझा रहे, राम मार्केट से ज्यादा रिटर्न भी तो मिलेगा। बोले रिटर्न छोड़ो, रिटर्न मिल जाने तो ज्यादा, मुझे रिटर्न का मतलब नहीं, कम मिले पर मैं खुश तो रहूं, मुझे पता तो रहे कि यार पक्का मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब मार्कोविट्ज समझाने की कोशिश करता है। मार्कोविट्ज बोलता, ठीक है राम एक बात बताओ, चलो शेयर मार्केट में लगाते तो बताओ आपको कौन सी कंपनी पसंद है। आप बोल रहे रिटर्न। बोले देखो, आप शेयर मार्केट में लगाओगे और यहाँ भी पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ मैं जुगाड़ करवा देता हूँ। ठीक से बोलना, ठीक से सुना मैंने क्या बोला। मार्कोविट्ज बोल रहा है कि आप इधर कितना लगा रहे हो। बोले 1 लाख रुपए 10,000 मिलेगा। बोले आप ये पैसा शेयर मार्केट में लगाइए और आपको 10,000 से ज्यादा मिलेगा। राम बोलता, वो तो मुझे मालूम है पर डूब भी तो सकता। बोले नहीं, और पक्का मिलेगा, ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा मार्कोविट्ज। बोले अच्छा, राम बोलता ऐसे कैसे हो सकता। बोले देखो ऐसे हो सकता है, ये बताओ राम आपको क्या लगता है, मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो कौन सी कंपनी में लगा सकते हो। तो राम कहता, देखो मार्कोविट्ज, हमारे यहाँ ना दो ही टाइप के सीजन हो सकते हैं। मान लो बेटे, एग्जाम्पल है थोड़ा सा पर वो समझना जरूरी है। और सीजन एक ये हो सकता है कि या तो आने वाले साल में बारिश होगी, बारिश को छोड़ो, बारिश छोड़ दो, दो ही सीजन लेते, या तो ठंड पड़ेगी बहुत ज़्यादा विंटर, या तो समर। बोले अच्छा, और बोले मैं ना जैसे समर पड़ने वाला है तो गर्मी पड़ने वाली, तो मैं आइसक्रीम बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, आइसक्रीम। अच्छा, और बोले अगर मैं आइसक्रीम बिजनेस मेरा कब चलेगा, जब गर्मी पड़ेगी। और आइसक्रीम बिजनेस में अगर मैं 1 लाख रुपए लगा देता हूं तो नो डाउट कि पिछला सालों का रिकॉर्ड से, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है कि जब जब भी गर्मी पड़ी है तब तब आइसक्रीम जबरदस्त बिकी है। और आइसक्रीम बिकेगी मतलब आइसक्रीम बिजनेस पैसा कमाएगा, और आइसक्रीम बिजनेस पैसा कमाएगा तो मुझे भी तो रिटर्न मिलेगा। और पिछले सालों का रिकॉर्ड है कि 30% रिटर्न मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो राम आप आइसक्रीम बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो। बोले लगाना तो चाहता हूँ, 1 लाख रुपए 30% मिलेगा भी, लेकिन शर्त क्या है, गर्मी पड़ेगी तब, बाई चांस ठंड पड़ गई तो फिर क्या करोगे, विंटर में कौन आइसक्रीम खाएगा, फिर रिटर्न नहीं मिलने वाला, पहला हम देख रहे हैं कि नहीं मिलेगा। अब मार्कोविट्ज कहता कि सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ राम रुक जाओ, अभी एक बात, एक काम करो, या तो समर होगा आने वाले साल, यस, या तो आपको क्या डर है, बोले विंटर भी हो सकता है। अच्छा, तो विंटर में किस चीज का बिजनेस चलता होगा, ठंड में लोग बिट्टे, ठंड में लोग गर्म कपड़े पहनते होंगे, उलन क्लॉथ्स, स्वेटर वगैरह पहनते होंगे। हाँ, तो अब एक बात पक्की है, पक्की ये है कि राम आप ही बोल रहे थे या तो समर होगा या तो विंटर होगा। हाँ, अगर समर होगा तो आइसक्रीम चल जाएगा, बिल्कुल, अगर विंटर होगा तो गर्म कपड़े बिकेंगे। हाँ, और इससे क्या लगता पिछले पास, बोले ये भी 30% रिटर्न देगा, लेकिन सुनो, गर्म कपड़े कब बिकेंगे, जब ठंड पड़ेगी, और ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी मुझे नहीं मालूम, अगर मैं इसमें पैसा लगाता हूँ तो भी रिस्क है, अगर इसमें पैसा लगाता हूँ तो भी रिस्क है, क्योंकि आने वाला सीजन जो होगा मुझे नहीं मालूम। अब राम को मार्कोविट्ज बोलता कि सुनो राम, एक काम करो ना, इधर लगा दो 50,000 और इधर लगा दीजिए 50,000, 50,000 यहां लगा दीजिए, 50,000 यहां लगा दीजिए। अब बोलो क्या बोल रहा, अब एक बात बताओ आप क्या बोल रहे थे। बोले अब तो या तो ठंड पड़ेगी या तो गर्मी पड़ेगी, अगर गर्मी पड़ी तो आइसक्रीम बिजनेस चल निकलेगा, और 50,000 पे आप कितना, 30% आप कितना कमा लोगे, 15,000। राम बोलता अगर भगवान ना करे गर्मी ना ही पड़ी तो बोले ठंड पड़ेगी और फिर गर्म कपड़े बिकेंगे और उससे कमा लोगे, 50,000 का 30% कितना, 15,000, तो आपको कोई ना कोई कंपनी तो कमा कर देगी।
तो सर ये 50,000 मेरा डूब जाएगा कि नहीं बेटी, डूबेगा नहीं, उस साल रिटर्न नहीं मिल पाएगा तो अगले साल रिटर्न मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, पैसा थोड़ी ना डूबेगा आपका। अब बताओ कि आपको कितनी कमाई होगी? सर 15,000 होगी, क्योंकि दो ही तो सीजन हो सकते हैं, या तो समर या तो विंटर, कहीं ना कहीं से तो मैं कमा लूंगा, या तो यहां से 15,000 कमा लूंगा या तो यहां से 15,000 कमा लूंगा। ठीक है, पक्का है, पक्का 15,000। और बैंक में जमा करते तो कितना कमा रहे थे? बोले सिर्फ 10,000। तो बोलो किधर पैसे लगाओगे? इधर पैसे लगाओ, इधर। अच्छा, राम ने कहा हाँ जी मार्कोविट, अब मुझे समझ में आ गया। तो अब मार्कोविट जी बोलता है भाई क्या समझ में आया राम? बोले दो जगह पैसा लगाना है। बोले अच्छा, बोले फॉर एग्जाम्पल? बोले बस दो जगह कोई भी देख लो। तो बोले मैं ऐसा कर लूं कि मार्कोविट्स कुछ पैसा आइसक्रीम में लगा लेता हूं और कुछ पैसा एसी में, एसी बिजनेस, एयर कंडीशनर, उसमें पैसा लगा देता हूं, इसमें 50,000, इसमें 50,000। मार्कोविट्स बोलता नहीं भाई नहीं, फिर गलती हो जाएगी। बोले क्यों गलती होगी? अब आइसक्रीम कब चलेगा? जब गर्मी पड़ेगी। एसी भी कब चलेगा? जब गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी पड़ेगी तो आप कमाओगे, लेकिन अगर ठंड पड़ गई तो, अगर सर्दी पड़ी तो आइसक्रीम में जो लगाया था वो भी गया ना, उससे कमा पाओगे, और एसी में जो लगाया था वो भी गया, तो अब क्या? तो बोले मार्गोविट अब समझाओ कि मैं किस में पैसे लगाऊं। बोले यही समझने की कोशिश करना, आप डाइवर्जिफाई कीजिए, अलग अलग जगह पैसा लगाइए, यही तो पोर्टफोलियो है। पर दो ऐसी जगह पैसा लगाइए, फिर से सुनना, दो ऐसी जगह पैसा लगाइए जिसमें दोनों का जो रिलेशनशिप है, आइसक्रीम उलन क्लॉथ, वो नेगेटिव होना चाहिए, अपोजिट अपोजिट। अगर दोनों का रिलेशनशिप एक जैसा है तो आप रिस्क कट नहीं रहा है। रिस्क कब कटेगा? दो ऐसी जगह पैसा लगाना है जिसका आपस में को रिलेशन, मैं नाम दे रहा हूं, को रिलेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना? अपोजिट। ठीक, तो सारा पोर्टफोलियो बस यही कहता, पूरा मार्कोविट्स ने इसी बात पर फोकस किया है कि हमेशा हम लोगों का टारगेट क्या रहना चाहिए। पहला टारगेट रहना चाहिए कि अलग अलग जगह पैसा लगाना है, ठीक है, और दूसरा ऐसी जगह पैसा लगाना है कि स्टॉक के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और इस बात को प्रूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ निकालना सीखना पड़ेगा हमको। हमें रिटर्न निकालना सीखना पड़ेगा। ये 30% 30% मैंने ऐसे ही बोल दिया, पर बोलने से काम नहीं होगा, इसको तो रिटर्न निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। हमें रिस्क भी निकालना सीखना पड़ेगा, और मुद्दे की बात है हमें कोरिलेशन क्या होता है ये समझना पड़ेगा, तभी हम उसको यहाँ यूज कर पाएंगे। तो पूरा मार्कोविट्स पोर्टफोलियो पे का मतलब कोरिलेशन पर का खेल है। पूरा मार्कोविट्स कहता है कि एमपीटी जो है वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि पूरा हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपेंड करता है दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन, ठीक है। तो पहले जो है ये जो थीम मैंने करवा रखा कि क्या ऑब्जेक्टिव है वो मैं पहले लिखवा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो चलो बेटे मेरे साथ साथ लिखोगे आप लोग, ठीक है। अब सारी बातें धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज्यादा जल्दी मत करना, टेक्निकल टॉपिक है थोड़ा सा। तो पॉइंट नंबर वन से लिखते हैं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन लिखोगे, अ पोर्टफोलियो मे बी डिफाइन एज बंडल ऑफ सिक्योरिटी, अ पोर्टफोलियो मे बी डिफाइन एज अ बंडल, बंडल समझते हो ना, बंडल बैक, बहुत सारी सिक्योरिटी जमा कर दिया आपने, बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, द होल पर्पस द होल पर्पस ऑफ एमपीटी
इज टू एक्सप्लेन, इज टू एक्सप्लेन. और क्या एक्सप्लेन कर रहा, अलग अलग जगह पर ऐसा लगा रहा, दैट इज बेनिफिट ऑफ डाइवर्जिफिकेशन. दैट इज हम डाइवर्जिफाई क्यों कर रहे हैं, अलग अलग जगह पैसे क्यों लगा रहे हैं, सर रिस्क कम करने के लिए, दैट इज रिस्क रिडक्शन इफेक्ट. रिस्क रिडक्शन इफेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, क्या बात हुई थी, क्या हमको एक ही जगह पैसा लगाना चाहिए, नहीं, हमें अलग अलग जगह पैसा लगाना चाहिए. तो लिखते वी शुड नॉट इन्वेस्ट. वी शुड नॉट इन्वेस्ट कहां, अवर वेल्थ इन अ सिंगल स्टॉक, एक जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए. वी शुड इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो, हमें बंडल ऑफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहिए. फिर लिखोगे वी कंबाइन टू अ मोर एसेट एसेट का मतलब सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी हो सकता है. ठीक है, व्हेनेवर वी कंबाइन टू आर मोर एसेट्स इन अ पोर्टफोलियो. इन अ पोर्टफोलियो तो रिस्क क्या होगा, कम हो जाएगा. रिस्क गेट्स रिड्यूस, तो रिस्क कम हो जाएगा. जब भी हम अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं तो रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है. द एक्सटेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है बेटे, सर कोरिलेशन पे, डिपेंड्स अपन कोरिलेशन. यही बात इंपॉर्टेंट है पूरा की पूरा, कि भैया रिस्क रिडक्शन किस पर डिपेंड करता है, कोरिलेशन पर. जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा कि जब भी कोरिलेशन अपोजिट होना चाहिए, जितना कोरिलेशन कम रहेगा उतना रिस्क रिडक्शन ज्यादा रहेगा. ठीक है, वो यहां लिखवा देता हूं, हालांकि बाद में पढ़ना. एस वी मेट या इसको सीधी सीधी लैंग्वेज में लिख दे, सिंपल से लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, लोअर द कोरिलेशन ऐसा लिख देते, लोअर द कोरिलेशन ग्रेटर द रिस्क रिडक्शन. पर ये बेटे आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तब ये बात समझ में आएगी जो मैंने लास्ट वाला सेंटेंस लिखा है. तो अभी हमने क्या सीखा, बस इतना सीखा कि भाई हमको अलग अलग जगह पैसा लगाना है, इसी को हम क्या बोलोगे, पोर्टफोलियो, मतलब दिस इज बंडल ऑफ सिक्योरिटीज. और यही हमारा एमपीटी का, हमको बस क्या निकालना, डाइवर्जिफाई करने से रिस्क कम हो जाता है.
हमको एक जगह ना पैसा लगा के अलग अलग जगह पैसा लगाना है। टारगेट क्या है? टारगेट है रिस्क कम हो जाए। और रिस्क कम किस पर होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? कोरिलेशन में। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। पहला पॉइंट लिखवाया, दूसरे पॉइंट में अब मैं धीरे धीरे बात करते जाऊंगा। मैं सबसे पहले रिटर्न निकालना सीखूंगा सिंगल स्टॉक का। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि अब पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बहुत बोल दूंगी कि हाँ हम दो जगह पैसा लगाएंगे, बट पोर्टफोलियो को बनाने से पहले आप आइसक्रीम और उलन क्लॉथ को साथ में मिलाने से पहले आपको आइसक्रीम का इंडिविजुअल रिटर्न वगैरह निकालना पड़ेगा। और उलन क्लॉथ का मतलब हमको सबसे पहले सिंगल स्टॉक का रिस्क और रिटर्न निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे ना पॉइंट नंबर टू से। तो वो स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। रिस्क क्या होता है मैं समझा दूंगा, ऑफ सिंगल स्टॉक। तो पहले सिंगल स्टॉक के मैटर पे बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब लिखिए पॉइंट नंबर टू। तो पॉइंट नंबर टू पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो बस मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि धीरे धीरे काम करना, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत में पड़ोगे, क्योंकि पोर्टफोलियो आगे जाके आपको परेशान करेगा। और आगे परेशानियों से बचना है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्कोविट्ज जो कह रहा था उसी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अब हमको एमपीटी में सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, और सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग पॉइंट नंबर टू। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक। तो पोर्टफोलियो तो तब पढ़ा जाएगा जब हम एक एक स्टॉक का रिटर्न और रिस्क निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो मार्कोविट्स आप जो बोल रहे हो कि अलग अलग जगह पैसा लगाना है, बिल्कुल सही। अब हमको ये बताओ कि अलग अलग जगह पैसा लगाना है तो हमको सबसे पहले रिटर्न तो एक ही, अलग अलग जगह पैसा लगाओगे ना, ठीक है। तो अब जैसे आइसक्रीम का आपने 30% बोला था, हमको पता कैसे लगेगा कि आने वाले साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा? क्या बता सकते हो, चलो हमको रिलायंस में पैसा लगाना है, चलो बेटे रिलायंस में, क्या बता सकते हो कि रिलायंस कंपनी कितना रिटर्न निकाल कर देगी, या अगले साल कितना रिटर्न होगा, क्या बताया जा सकता है? सर कैसे बताएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे फ्यूचर का अनुमान लगाना है, क्या फ्यूचर का अनुमान लगाया जा सकता है, फ्यूचर में क्या होने वाला? क्या कभी गुडविल पढ़ा था आपने? हाँ। क्या गुडविल में, गुडविल निकालते थे तो एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था? यस। और फॉर्मूला क्या था बेटे? सर फॉर्मूला ऐसा था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो क्वेश्चन ये है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब पास्ट का प्रॉफिट कि फ्यूचर का प्रॉफिट? सोच के बोलना। कुछ बच्चे अगर ठीक से पढ़ा नहीं है ना अकाउंट, तो उनको एवरेज का मतलब लगता है पास्ट का। बेटे पास्ट का प्रॉफिट नहीं होता, पास्ट का तो हमको पता है, हमको तो निकालना होता फ्यूचर का। इसलिए उस एवरेज प्रॉफिट को आप नाम देते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। गुडविल में पढ़ने को मिला होगा या पढ़ा होगा आपने, अब फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या हम फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं? यस। हमारा ये मानना होता है जो पास्ट में हुआ है वही तो फ्यूचर में होगा, वही नहीं होगा तो उसके थोड़े आसपास होगा, तभी उसका नाम एक्सपेक्टेड है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मान लो किसी बच्चे का, किसी बच्चे ने 9th क्लास के पेपर दिया, 80% मिला उसको,
टेंथ में भी पेपर दिए, अब की बार 82% मिला। फिर इलेवेंथ के एग्ज़ाम दिए और उसको मिला 78%, और अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिया है। क्या लगता है कि क्या होने वाला है रिजल्ट? मैं बताता हूँ, 9वीं क्लास में 9th में 80%, 10th में 82%, 11th में 78%, और अभी 12th के एग्जाम दिया है। आप मुझे क्या अनुमान लगा सकते हो कि कितना परसेंटेज बनेगा लगभग? अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसका बनेगा 33%, तो क्या मैं गलत हूँ? हाँ, 100% में गलत हूँ। क्या 33 बनेगा, वो तो आप बता सकते हो। हाँ सर, 70, ये 75, 85, 70, 80 के बीच बीच बनेगा। बिल्कुल सही। कैसे पता लगा? सर, पास्ट देख के, जो पास्ट में हुआ है वही तो फ्यूचर में होगा। बिल्कुल, जैसे आपके सीए फाइनल का रिजल्ट। मैं बोल रहा हूँ कि इस अटेम्प्ट में जो अटेम्प्ट देने वाले हो आप, चाहे आपका नवंबर हो चाहे मई अटेम्प्ट, आपका रिजल्ट आने वाला ओवरऑल 80%। बोलो मैं गलत हूँ? हाँ, आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि उतना रिजल्ट नहीं आएगा। कैसे पता? पास्ट देखकर। तो बस यहाँ ये प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होता है, तो यही प्रिंसिपल यहाँ भी फॉलो होगा। अगर हमको रिलायंस का रिटर्न मिल गया 5 साल का, 10 साल कुछ भी ले सकते हो, कि यार उसने 5 साल पहले 10% कमाया, उसके बाद 12% कमाया, उसके बाद 11% कमाया, फिर 10% कमाया और फिर 12% कमाया, बताओ अगला क्या होगा? सर, तो इसका क्या करेंगे हम? एवरेज डिवाइडेड बाय 5, और इन सब का एवरेज करने पे आया, मान लो, मन से लिख रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, 11% आ गया। तो बताओ रिलायंस कितना कमा कर देगा? 11%। ये क्या है? एवरेज। एवरेज का मतलब फ्यूचर का रिटर्न, एक्सपेक्टेड। किसको देखकर निकाला है? पास्ट को देखकर। तो अगर मैं कहता हूं किसी भी कंपनी का आपको फ्यूचर का रिटर्न निकालना है, तो एक तरीका ये हुआ कि आप पास्ट का देखकर फ्यूचर का रिटर्न बता दीजिए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। आगे मैं और भी पढ़ाऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी है, पर धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है सर। सर बस एक बात है, एक बात। बोले क्या? ये 10% कहाँ से पता लगा? रिलायंस, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। ये रिटर्न 10%, ये है क्या? डिविडेंड है क्या? नहीं बेटे, नहीं। ये भी समझाता हूं मैं आपको, ये कैसे आता आखिर, ये 10% आया कैसे? तो बेटे इस साल समझना ठीक से, मान लो साल के बिगिनिंग में शेयर का प्राइस था, इसकी बात कर रहा हूं, इस साल के बिगिनिंग में शेयर का प्राइस था 500 रुपए, और एंड में है 530 रुपए। हाँ सर, शेयर का प्राइस बढ़ा, यस, और डिविडेंड है 20 रुपए, डिविडेंड मिला भी है 20, और शेयर का प्राइस बढ़ा भी है। दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुआ है और होल्डिंग, मान लो ऐसा समझ लो, मैंने यहां शेयर खरीदा था 500 का, बीच में डिविडेंड मिला 20, और एक साल बाद बेच दिया मैंने 530 का, मान लो बेच दिया 530 का, तो बताइए मैंने कितना रुपए कमाया? सर, आपने 500 का शेयर खरीदा था, 530 में बेचा, तो 30 रुपया ये कमाया और 20 रुपए डिविडेंड, तो टोटल हमने कितना कमाया? 50। कितना लगाकर? 500 लगाकर हमने 50 कमाया, तो हमारी कमाई कितने की हुई? 10%। अब बताओ इस साल के क्या बिगनिंग का प्राइस पता हो लगाया जा सकता है रिलायंस का? बिल्कुल पता लगा सकते हो। सर, इस साल के एंड का प्राइस 31st, वो भी पता लगा सकते हो, और सर डिविडेंड कितना मिला ये भी पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से सबसे पहले मुझे एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न या होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जो भी बोलना, एनुअल रिटर्न, और फिर पास्ट का एनुअल रिटर्न निकालूंगा, और फिर उसका एवरेज करके क्या निकल जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला जाता है। किसके बेसिस पे ले रहा हूं मैं? प्रोबेबिलिटी नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के दो तरीके हैं। ये 11% निकालेंगे दो तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की तो अभी बात ही नहीं है, अब तो मैं पास्ट इंफॉर्मेशन को लेकर काम कर रहा हूं। तो अब
एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के कितने तरीके हैं? दो, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, पास्ट में जो हुआ है वो फिर उसको बोला जाता है एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट डेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर में सोचो कि क्या होगा, इतना भी हो सकता है ऐसा, उसको बोला जाता है एक्स एंटी डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो चलो मैं आपसे अब थोड़ा बहुत काम हो जाए, बहुत सारी बातें हो चुकी है एक साथ। तो मैंने लिखवाया था कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, इसको कभी कभी इस नाम से जाता एक्स पोस्ट डेटा। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट एनुअल रिटर्न या होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसी को बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न कैसे निकाला जाता है? एनुअल रिटर्न निकालने का फॉर्मूला, और फॉर्मूला चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, याद है 530 माइनस 500, हाँ सर, प्लस इनकम, सर इनकम वही डिविडेंड इनकम, डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, बिगनिंग प्राइस की एंडिंग प्राइस, बिगनिंग प्राइस, बिगनिंग प्राइस मल्टीप्लाई किससे होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज में दिखा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एनुअल रिटर्न, ठीक है सर। सर उसके बाद स्टेप नंबर टू, तो एनुअल रिटर्न वही 10%, 12%, 10%, 12% वगैरह वगैरह, ठीक है। खास बात है एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो निकाल कर दे देता है, पर फिर भी हम पूरा प्रोसेस में काम करें ना बेटे, क्या होता है पूरा प्रोसेस में स्टेप वाइज काम करोगे टू द पॉइंट, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अगर निकाल कर दे देते तो बहुत अच्छी सी बात है। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, या क्या बोल सकते हैं इसको, एवरेज रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम लोग एक्स बार बोलते, क्यों सर ये मैं भी आपको समझा रहा हूँ, इसको मीन रिटर्न भी बोलते हैं, मीन रिटर्न, मीन पढ़ा हुआ है आपने स्टैट्स में, मीन रिटर्न। अच्छा एक बात और, हो सकता है आपने सीनियर से सुना होगा कि इसमें मैथ्स बहुत अच्छा स्ट्रांग चाहिए, एसएफए में बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, मैथ्स नहीं भी आता तो भी हो जाएगा, बिल्कुल मैथ्स नहीं लगने वाला, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्चुअल लॉजिक है, मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया एवरेज, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, सर क्या फॉर्मूला, कुछ नहीं बेटा एवरेज है, अभी आप करवाऊंगा ना तो सारी बात समझ में जाएगी। ये समेशन है, समेशन टोटल कर लेना, 5 साल का डिवाइड कर देना 5 से, एन का मतलब नंबर ऑफ इयर्स। अब स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिस्क,
कैलकुलेट रिस्क दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओहो सर ये कहाँ से आ गया। हाँ बेटे यही तो समझा ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ऐसा भी लिख सकते स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और इन सब का रूट। ये फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है किसी भी हालत में फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करना। लॉजिक है वो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा ना मुझे वक्त दीजिए आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो अब इन तीन स्टेप्स में हमारा काम होगा। याद रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क निकाल रहा हूँ किसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन या पास्ट डेटा। तीन स्टेप्स में काम होगा और वो स्टेप्स के थ्रू मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू बेस लेते बेस बनाते हुए चलूंगा फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे। तो लिखोगे एग्जाम्पल नंबर वन। अभी कुछ भी समझाया नहीं है धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा सारी बात। हाँ जी लिखोगे एग्जाम्पल नंबर वन। मान लो ईयर दिया हुआ ईयर और यहाँ उस ईयर का क्लोजिंग मार्केट प्राइस दिया है और डिविडेंड पर शेयर भी दिया मान लो रिलायंस का और इस तरह से लिखा है 2001 का प्राइस है 500 डिविडेंड है 20 2002 530 डिविडेंड है 15 2003 550 डिविडेंड 25 2004 510 डिविडेंड 5 एंड 2005 535 और डिविडेंड लेते हैं 10। कैलकुलेट एनुअल रिटर्न। अब आपको एनुअल रिटर्न निकालना है। एक बात समझ लो यहां का क्लोजिंग प्राइस यहां का बिगिनिंग प्राइस हो जाएगा। हाँ तो यहां का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके पहले बिगिनिंग प्राइस होना चाहिए। यस पर कभी भी इस ईयर का निकल ही नहीं सकता क्योंकि इससे पहले का प्राइस नहीं मालूम। इटमीन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एनुअल रिटर्न तो हम 2002 से ही निकालेंगे 2001 का पॉसिबल ही नहीं। आप भी चाहिए इसके लिए हमको पहले का प्राइस चाहिए बिगनिंग प्राइस और सर इसके लिए बिगनिंग प्राइस क्या होगा ये होगा 500 रुपये। ठीक है तो 2001 का एनुअल रिटर्न नहीं निकल सकता तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा 2000। तो एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला था चेंज इन प्राइस प्लस इनकम डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। क्या 2001 का निकल सकता है नहीं तो 2001 नॉट पॉसिबल निकल ही नहीं सकता तो उस मैटर पे हम बात ही नहीं करेंगे। हमें कहां से निकालना है 2002 तो 2002 में प्राइस कितना हो गया 530 और बिगनिंग प्राइस कितना था 500 तो कितने से बड़ा प्राइस 30 रुपए प्लस इनकम कितना है इनकम सुनोगे 20 लोगों की 15 लोग हैं
20 नहीं लेना, 20 रुपए तो 2001 में मिल रहा है हमें, तो यहां का रिटर्न निकालना, तो ये वाला लोगे 15, 15, बेस क्या आ जाएगा 500 इंटू 100, तो ये निकलेगा 2002 का। ऐसे ही कब का निकालोगे, 2003 का 550, बिगनिंग प्राइस कितना हो जाएगा 530 प्लस 25 डिवाइडेड बाय, अब यहां बेस किया जाएगा 530 इंटू 100, ठीक है 2003 का निकल गया। अब किसकी बात कर रहे हैं, 2004, 510 माइनस पहले कितना था 550 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100 एंड लास्ट 2005 530 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 510 इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग प्राइस निकालेंगे, तो 530 माइनस 500 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो ये आ गया बेटे 9%। 550 माइनस 530 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 530 इंटू 100, ये आ गया 8.49%, ठीक। 510 माइनस 550 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, ओहो ये तो माइनस में है, 6.36% माइनस, माइनस आ सकता है, ठीक। 535 माइनस 510 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 510 इंटू 100, तो ये आ गया 6.86%। तो इस तरह से मुझे सबसे पहले जिस कंपनी का एनालिसिस करना, उस कंपनी की ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास होगी ही होगी, तो उस कंपनी का सबसे पहले मैं एनुअल रिटर्न निकालूंगा पास्ट ईयर्स का, पास्ट, ठीक है। तो अब एग्जांपल टू लेते, एग्जांपल टू में मैं आपको अब क्या करता हूं, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सिखाता हूं, रिस्क निकालना सिखाता हूं, ठीक है। तो ये क्या निकालना सिखाया अभी तक मैंने आपको, मैंने आपको सिखाया एनुअल रिटर्न, हर साल का रिटर्न कैसे निकाला जाता है ये सिखाया। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं सिखाने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते एग्जांपल के ही थ्रू। चलो एग्जांपल नंबर टू लेते हैं, अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। सारे एग्जाम्पल कॉपी में नोट करोगे बेटे, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर टू, तो इस तरह से आपने रिटर्न निकाला 2002 का, 2003 का, 2004 का, 2005 का एंड 2006 का। ये क्या था हमारा ईयर, और आपने एनुअल रिटर्न निकाल लिया। और एनुअल रिटर्न कितना निकाला बेटे, अब ना मैं वो वाली फिगर नहीं उठा रहा हूं जो आपने निकाला, क्योंकि ना वो प्रॉब्लम क्या, वो फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं यहाँ अपने मन से लिख रहा हूँ कि हमने निकाला और ऐसे निकाला, 10% था, यहाँ 15% था, यहाँ -5% था, यहाँ 20%, और यहाँ कितना ले ले, यहाँ ले लेते 25%। तो इस तरह से 5 साल का रिटर्न, और मैं आपसे बोल रहा हूं कैलकुलेट
एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाले? बेटे एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सी बात, इन सब को जोड़ लीजिए। सर इसको भी बेटे, ये तो माइनस ही होगा। इन सब को जोड़ लीजिए और डिवाइड किससे करना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच से डिवाइड कर देते, दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर मैं कहता हूँ 10 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न 13%। तो अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है रिलायंस कितना रिटर्न कमा कर देगा, निकाल सकते हो कि, मैं निकाल लूंगा। सबसे पहले मैं चेंज इन प्राइस वाले फॉर्मूले से हर साल का रिटर्न निकालूंगा, 5-6 साल ले लिया और उसी का मैंने एवरेज कर लिया। तो मैं वो क्लाइंट से बोला कि देखो भाई रिलायंस में पैसा लगाना है तो लगाओ, लेकिन रिलायंस 13% रिटर्न कमा कर देगा। तो अब मुझसे वो क्लाइंट पूछता, अच्छा ये बताओ भाई 13% किधर से आया? मतलब 13% ऐसा आया क्योंकि हमारा ये सोचना है जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होगा, ठीक है, और पास्ट में जो कमाया है उसका ऑन एन एवरेज ले लिया मैंने 13। तो बोले पक्का 13% मिलेगा क्या? मैंने कहा मैं ऐसा नहीं बोल सकता यार, मैंने जो निकाला वो तो पास्ट के बेसिस पे निकाला ना 13%, पक्का चेंज भी हो सकता, कम भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता। तो वो बोल रहा है बताओ कितना कम ज़्यादा हो सकता है, सुनना ध्यान से। और बोले बताओ यहाँ क्या कम ज़्यादा हुआ था, आप 13 बोल रहे हो, यहाँ कौन सी ईयर में 13% आया? हाँ किसी भी साल 13% नहीं है, जबकि हम इसका एवरेज किया, मैंने जब मैंने इसका एवरेज किया तो 13% आ रहा। तो मैं सामने वाले क्लाइंट से बोल रहा हूँ कि भैया रिलायंस कंपनी 13% कमा कर देगी। तो क्लाइंट मुझसे बोल रहा है कि जो आपने रिटर्न निकाला है वो भी तो 13% किसी भी साल में नहीं है, यहाँ तो 3% कम है, यहाँ 2% ज़्यादा है, यहाँ तो बहुत ही कम है भाई, आप तो 13 बता रहे हो ना, और यहाँ ज़्यादा है। तो कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो मतलब कम ज़्यादा हो सकता है आगे भी? मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो बोले कितना कम ज़्यादा हो सकता है? मैंने कहा यार ये भी मैं पिछला देख कर बताऊँगा। मान लो पिछला ऑन एन एवरेज किया, जो कम हो रहा कोई ज़्यादा हो रहा कम हो रहा उसका एवरेज किया, तो एवरेज आया 2%। सुनना बिल्कुल ध्यान से, जो फ्लक्चुएट हुआ ना जितना सोचा है 13, उससे कुछ कम हो गया कुछ ज़्यादा हो गया कुछ, तो उसका एवरेज किया और एवरेज आया 2%। तो मैंने कहा यार 2% से कम ज़्यादा हो सकता? बोले कैसे बता? मैंने कहा पास्ट देखकर। बोले 2% से कम ज़्यादा हो सकता है का मतलब? मैंने कहा 2% ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 15% भी कमा सकते हो और 11% भी कमा सकते हो। बोले का मतलब मुझे रिटर्न मिलेगा ऑन एन एवरेज 13%? हाँ, पर डेविएट हो सकता है, यस, 2% अप भी हो सकता है और 2% डाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये डेविएशन कहाँ से निकाला? ये फ्यूचर का है क्या? मैंने कहा ये भी फ्यूचर का नहीं भैया, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है आपने, हाँ, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? फ्यूचर का कॉस्ट की पहले से ही, पहले का पास्ट के बेसिस पे वही मैं काम कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फ्लक्चुएशन। बस अब वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अब सुनोगे मेरी बात। ये 13% मन से लिखा था, अब हमको एक्चुअल में निकालना पड़ेगा, 13% तो शायद निकाला था। अब हमको ना इसके लिए एक टेबल बना लेना चाहिए, टेंशन ख़त्म। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में ना ईयर लिख लिया करो, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। अब एनुअल रिटर्न को ना ऐसा नाम दे देता हूं मैं, एक्स 10 परसेंटेज। सर लगाए की जरूरत नहीं है बेटे, परसेंटेज तो पूरा परसेंटेज में ही चलेगा। 15 माइनस 5 20 और 25, और इन सब का ना टोटल मार लेते हैं, देख लेते कितना आ रहा।
10 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 20 प्लस 25, तो इन सब का टोटल आ रहा 65। इसका नाम क्या है? दिस इज समेशन। सम का मतलब जोड़कर, एक्स एक्स को जोड़ने से 65 आया है। पर हमें तो एवरेज निकालना है, हमें क्या निकालना होता है? एक्स बार। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वही एवरेज कर रहे हैं। 65 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना परसेंट? 13%। ठीक है, तो बताइए कितना परसेंट रिटर्न कमा कर देगा? 13। पर फिर भी क्या पास्ट में कभी भी 13 कमाया है? नहीं, डेविएट हुआ है। तो चलो ना, डेविएट कितना हो सकता है, कितना बढ़ सकता है, कितना कम हो सकता है, वो निकालना है। वो भी किसको देखकर निकालोगे? पास्ट को देखकर निकालोगे। तो अब मैं करने वाला हूं एक्स माइनस एक्स बार। ये एक्स और ये क्या? एक्स बार। 10 में से 13 गया माइनस 3, 15 में से 13 गया 2। ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ स्पीड से। पर मैं कहीं ना कहीं जब बड़ा फिगर आएगा तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कि कैलकुलेटर चलाना नहीं आएगा। तो मैं कैलकुलेटर चलाना आपको सिखा रहा हूँ बेटे। कैलकुलेटर चलाना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सुनोगे कि कैसे काम करना? सबसे पहले लिखना 10 कैलकुलेटर में। 10 लिख लिया, फिर माइनस क्या करना? 13। और फिर क्या करना? इक्वल टू। ठीक ठीक है सर, ये तो आता हम लोगों को। फिर क्या करना बेटे? फिर सुनोगे, फिर 15 लिखना, इक्वल टू लिखना। फिर सर माइनस 5 कैसे आएगा? तो बेटे 5 और आपके कैलकुलेटर में प्लस आब्लिक माइनस होगा, प्लस आब्लिक माइनस, उसको प्रेस कर दोगे। फिर क्या करोगे? इक्वल टू। फिर क्या करोगे? 20। फिर इक्वल टू। फिर क्या करोगे? 25। फिर इक्वल टू। ये क्यों करवा रहा हूँ? बिल्कुल ध्यान से समझना, ये काम आने वाला है आपको, मैं करके देख रहा हूँ। सबसे पहले 10 माइनस 13, तो ये 13 ना फिक्स हो जाता है एक्चुअली। इक्वल टू किया तो क्या आ गया? माइनस 3। फिर 15 इक्वल टू किया तो कितना आ गया? 2। फिर 5, और 5 में माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस के साइन में प्लस अब्लिक माइनस होगा, उसको लगा दो। फिर इक्वल टू कर दीजिए तो कितना आ गया? माइनस 18। फिर 20 इक्वल टू करोगे तो कितना जाएगा? 7। फिर 25 इक्वल टू करोगे तो 12। ठीक है सर, ये याद रखना कि ये कैलकुलेटर में हमको सीखना पड़ेगा, बट टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको याद रखना। ठीक है सर, तो हो गया, ये तो हो गया। हाँ बेटे, अब ये कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। जब मैं इसका एवरेज कर रहा हूँ तो मन से बोलना, जब इसका मैंने टोटल किया तो ये आ गया 10%। मन से बोला है, जब इसका टोटल किया तो 10% आ गया। ये क्या चीज़ है? यह है डेविएशन, कितना चेंज हुआ है। ये चेंज कब हुआ है? फ्यूचर में हुआ कि पास्ट में? पास्ट में हुआ है, डेविएट हुआ है। और इन सब डेविएट का वेरिएशन हुआ, वेरिएशन का मैंने एवरेज टोटल किया तो कितना आ गया? 10%। अब इसका भी मैं अगर एवरेज कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय कितना कर दूँ? 5, तो कितना आ गया? 2%। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भैया रिटर्न है ये 2% ज़्यादा भी हो सकता है, 2% कम भी हो सकता है। ठीक है सर, पर किस्मत खराब। किस्मत क्यों खराब? क्योंकि जब इसका आप टोटल करोगे तो हमेशा जीरो ही आएगा, इसका एवरेज करोगे तो भी जीरो आएगा। क्यों जीरो आया सर? बेटे खास बात समझ लो, आपने मीन ले रखा है 13 13, कुछ मीन क्यों आया 13? कुछ कम होगा और कुछ ज्यादा होगा। अब जब कुछ चीज़ें कम होगी मतलब माइनस में होगी और कुछ चीज़ें प्लस में होगी, तो भाई ऑटोमेटिक प्लस और माइनस दोनों को जोड़ोगे तो जीरो ही तो आएगा। बस ये एक समस्या है कि हमेशा इनका जब करोगे तो ये जीरो ही आएगा। क्या वजह है? माइनस का साइन। क्या ये हटाया जा सकता है? यस। कैसे हटाया जा सकता है? सर हमने बचपन में पढ़ा था, इसको क्या कर देते? स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। तो 3 × 3 9, इसको कैसे करते कैलकुलेटर में? माइनस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3 × -3 वो प्लस में ही आएगा हमेशा।
क्योंकि हमारा टारगेट ही है माइनस हटाना, तो इधर कभी माइनस आ नहीं सकता। 3 × 9, ठीक है, 2 × 4, 18 × 324, 7 × 49 और 12 × 144, टोटल कितना आ गया? 9 + 4 + 324 + 49 + 144, तो टोटल आ गया 530। अब एक बात अच्छे से समझना है, एक थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है जो उसको अच्छे से समझ लेना। एक बात बताओ मुझे, कॉस्ट में पढ़ा है ना, कॉस्ट में पैसेंजर होता था ऑपरेटिंग कॉस्ट में, और किलोमीटर होता था, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे उसको, वो क्या नाम बोलते थे? पैसेंजर किलोमीटर। ठीक सर, ऐसा क्यों समझा रहा हूँ? बट मैं समझाता हूँ अभी आप, और भी समझ लो, लेबर को आवर्स से मल्टीप्लाई करते थे तो लेबर आवर्स नाम देते थे, बिल्कुल सही। अच्छा, रूम ये 10 फिट और ये 10 फिट, 10 और 10, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100 फिट नहीं बोलते, बोलते 100 स्क्वायर फिट। समझने की कोशिश करना, फिट से फिट का मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर फिट हो जाता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जब मैंने लिखा हुआ यहां 2 और यहां है परसेंटेज का साइन, अगर मैं 2% × 2% करूं तो कितना आंसर आएगा? 4% आएगा या 4%² आएगा? क्या लग रहा है बेटे? सब परसेंटेज स्क्वायर मतलब बस स्क्वायर और स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर फिट हो जाता था ना, वही मैं करवाने जा रहा हूँ। अच्छा सर, आप खुद सोचो, 0.2% को 0.02 × 0.02, तो क्या आंसर 0.04 आएगा? नहीं आएगा बेटे, नहीं आएगा। 0.02 × 0.02 × 0.02 × 0.02, तो ये आंसर आएगा 0.0004। आप इसको 4% नहीं बोल सकते, आप इसको क्या बोलना पड़ेगा? 4%² बोला जाएगा। इट मीन्स यहाँ जब भी परसेंटेज इंटू परसेंटेज होगा तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हमेशा मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है सर, याद रखना परसेंटेज स्क्वायर, कुछ लोग नहीं भी लिखते पर लिखना है परसेंटेज स्क्वायर आपको किसी भी हालत में, स्क्वायर 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 फिट इसी तरह से। ठीक है सर, तो ये तो हो गए, अब क्या करना? अब सुनोगे, बस अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो चल जाएगा। अगर मैं कहता हूं रफली 530% स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो बेटे ये आ गया 106% स्क्वायर, 106, ये भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये रिस्क है। पर ना बड़ी मुश्किल होती है इसको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होती है, यार ये क्या रिस्क हुई 106% स्क्वायर, ये क्या रिस्क हुई? हालांकि इसका नाम होता वेरियंस, वेरियंस वेरी कितना हुआ है, पर इसको इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत होती है वेरिएंस को। तो इसके लिए फिर हमको, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ये सीधा सीधा 13% दिख रहा है और ये 106% स्क्वायर है, तो इसको समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम इसमें स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूँ, 106 का स्क्वायर रूट लगा दूँ, तो ये आ गया 10.29%। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। इसका नाम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, अभी बस ऐसे लिख रहा हूँ, बात को समझना। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ x - x बार स्क्वायर, ये x - x बार स्क्वायर है और इसको क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सर समेशन ऑफ x - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या किया n, तो ये नाम हो गया वेरिएंस, और इसको फिर आपने क्या कर दिया स्क्वायर रूट, तो इसका नाम हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है सर, तो अब मुझे क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी इन सबको मिटा देता हूँ। ठीक, तो अभी जो आया था ये आया मेरा एक्स बार, ये समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। मैं पहले यहाँ वेरिएंस दिखा देता हूँ, वेरिएंस इज इक्वल टू 530% स्क्वायर, या ऐसे भी दिखा सकते हो, परसेंटेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो यहां कितना आ गया था, 106 परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 106% स्क्वायर, 106 का स्क्वायर रूट। तो बेटे ये आ गया 10.29%। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये क्या है बात को समझना है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे हुआ, समेशन ऑफ एक्स माइनस कि सर मुझे डेविएशन निकालना है, ठीक, स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर क्योंकि सर माइनस में आए थे इसलिए, डिवाइडेड बाय एन क्यों किया, एवरेज, और स्क्वायर रूट क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर था और ये इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत हो रहा था वेरिएंस को, इसलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया। तो बस लॉजिक ये था, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये था, बाकी तो आप निकाल ही चुके हो 10.2। इसका मतलब अब मैं आपको यहाँ एक बात लिखाता हूँ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो नोट करके लिख लोगे, नोट। अभी तक जो भी पढ़ा उसका निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं। सपोज एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन रिटर्न 3%, इट मीन्स सिक्योरिटी प्रोवाइड्स रिटर्न 20%, बट इट में वेरी या डेविएट बाय 3%, दैट इज 20 प्लस माइनस 3, 23 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल से इसका रिलेशन नहीं, बस जो समझा था उसके लिए मैंने फिगर चेंज करके लिखा दिया। अगर मैं कहता हूं कि वेरिएंस क्या है, वेरियंस, तो वेरियंस होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसका मतलब स्क्वायर नहीं करो तो ये वेरियंस हो गया। अगर सीधी सीधी बात करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट किसका करना है, वेरियंस का। ये फॉर्मूला काम आने वाला है। अच्छा, तो वेरिएंस क्या हुआ सर, वेरिएंस हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने ये समझने की कोशिश किया, एमपीटी में हम क्या निकालना सीखे, सबसे पहले एनुअल रिटर्न निकालना सीखे, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके बेसिस पे बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, एक्सपेक्ट रिटर्न एवरेज डिवाइडेड बाय एन करना, और यहाँ डेविएशन कैसे निकालना ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको समझाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो अब पॉइंट नंबर टू करेंगे, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक कर रहे थे, और मैंने कहा ये दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो निकाला जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन,
जिसको हमने बोला था एक्स पोस्ट डेटा। तो अब लिखोगे बेटे पॉइंट नंबर टू, और पॉइंट नंबर टू में हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैं आपको समझाऊंगा, तो इसी में कर रहे हैं हम पॉइंट नंबर टू। एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक चल रहा है, और ये करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको बोला जाता एक्स एंटी, एंटीसिपेटेड से बनता एंटी डेट, एक्स एंटी डेट। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपको डेटा कौन सा वाला दिया है, पास्ट ईयर में दिया है या प्रोबेबिलिटी दिया। आपको एक्स एंटी नाम नहीं आएगा, वो तो बाय चांस एक आध क्वेश्चन में दे दिया तो दे दिया, बाकी ईयर्स दिया रहेगा। ठीक है, तो उसको पास्ट समझ लेना, प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा तो उसको एक्स एंटी समझ लेना। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी कभी नाम सुना? प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से अगर आपने डेरिवेटिव पहले पढ़ चुका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी है क्या। जो मेरा क्लाइंट है, जब वो मेरे पास आया था तो उसने मुझसे एक बात बोला था कि चलो रिलायंस का फ्यूचर में कितना रिटर्न आना है वो बताइए। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो पास्ट में आया है वही फ्यूचर में आएगा, हमने ऐसा। और एक तरीका है क्या होता है, बड़ी बड़ी फर्म सर्वे करवाती है, और सर्वे ऐसा करवाया जा रहा है कि एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है जिसमें बताया गया है, उसमें पूछा गया है पब्लिक से, पब्लिक रिव्यू, कि बताइए इकोनॉमी फ्यूचर में आने वाले साल में इकोनॉमी क्या होने वाला है, मतलब मार्केट क्या होने वाला है। और फीडबैक फॉर्म में ऐसा लिखा गया है कि ये बताइए मार्केट इकोनॉमी बूम रहेगी, इकोनॉमी बूम, या तो फिर नॉर्मल, और या तो बहुत खराब कंडीशन होने वाली है रेसेशन। इस तरह से सर्वे किया जा रहा है। सर कितने लोगों पे सर्वे किया? करीब करीब 1000 लोगों पे सर्वे किया हम लोग। तो उसमें से 600 लोगों ने कहा कि इकोनॉमी बूम रहेगी, हमने बोले बहुत कमाई होने वाली, फ्यूचर में इकोनॉमी हमारी हाई लेवल की पहुंचने वाली। इसमें से 100 लोगों ने कहा पता नहीं भाई, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जितना कमा रहे उतना कमाएंगे बस बात खत्म। और 1000 लोगों पे सर्वे, 1000 पर, 1000 पर, तो 700 और 300 ने कहा कि रेसेशन जितना भी हुआ है मार्केट में, जो भी सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट जो आने वाली है उसकी वजह से हम रेसेशन में जाने वाले हैं। ठीक, इलेक्शन वगैरह जो भी हो। तो टोटल कितने लोगों पर सर्वे किया गया? 1000। क्वेश्चन ये है कितने परसेंट लोगों ने ये बोला कि इकोनॉमी बूम? 600। 600 को क्या मैं 60% बोल सकता हूँ? यस, 60% लोग कह रहे कि इकोनॉमी बूम। कितने परसेंट लोग बोल रहे कि नॉर्मल? 10%। और कितने परसेंट बोल रहे कि रेसेशन? सर 300 का मतलब 30%। क्या इस परसेंट को हम और सिंपल में लिख सकते? यस, 0.6, 0.1 और 0.3। ये परसेंटेज में लिखा, इसको डिवाइड कर दिया तो 0.6 पॉइंट, इसी का नाम होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बताइए इकोनॉमी बूम होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं? 60% चांस, 0.6। नॉर्मल 10% चांस, रेसेशन 30% चांस। ठीक है, अब जो रिलायंस का रिटर्न है वो डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, किसी भी कंपनी का। इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो ज़्यादा कमाएंगे, और पास्ट का रिकॉर्ड भी, इकोनॉमी जब जब भी इकोनॉमी अच्छा रहा है, मार्केट अच्छा रहा है, तो हमने ज़्यादा कमाया। ठीक है, अच्छा सर, तो अब अनुमान देख लो बेटे, मैं ये मेरे ये डेटा काम का नहीं है, आप लोगों को ये सब कुछ नहीं दिया रहेगा, आप लोगों को ये दिया रहेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है बूम होने की, 0.6, नॉर्मल की 0.1 और रेसेशन की 0.3, और साथ में रिलायंस का रिटर्न दिया रहेगा, रिलायंस का।
और रिलायंस का रिटर्न दिया रहेगा कि यार बूम होगा तो हम लोग ना 25% कमाएंगे, और नॉर्मल में 15% कमाएंगे, और रेसेशन में सिर्फ 5% रिटर्न कमा कर देगी। ठीक है, इस तरह से आपको डेटा दिया रहता है। बताइए 25% कमाई होगी रिलायंस कमा कर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। 15% होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। और 5% होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.3। धीरे से क्या करेगा वो, आपको ऐसा बूम नॉर्मल रेसेशन भी नहीं देगा, आपको बस इतना बोल देगा कि 25% रिलायंस रिटर्न कमा कर देगा, इसके चांस है 0.6। 15% कमा कर देगा, इसके चांस है 0.1। और 5% कमा के देगा, इसके चांस है 0.3। बताइए कितना कमाएंगे? एवरेज करना पड़ेगा। अब एवरेज सुनो बेटे, एवरेज में बड़ी समस्या, बच्चे ऐसा कर देते हैं, सर ठीक है ना एवरेज हमको आता, 25 + 15 + 5 / 3 ऐसा नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको वेटेड एवरेज करने वाले, वेटेड एवरेज हम ऐसा करेंगे, 25% मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। ठीक है, 15% मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। और 5% मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.3। डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए वेटेड एवरेज, पर हम 1 नहीं करेंगे। सर ये वेट ही एक प्रकार से वेट है, लेकिन अब मैं इसको वेट नहीं बोलूँगा क्योंकि आगे वेट भी आएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी को आप वेट ना समझ लो। ठीक है, आगे क्या होगा, हम दो स्टॉक में पैसा लगाएंगे, एक में 60%, एक में 40%, और अलग प्रोबेबिलिटी, तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस मान के चलना, चांस 25% रिटर्न मिलेगी, इसके चांस है 0.6, 15% के 0.1, अब 5 के, क्या अब आप रिटर्न निकाल सकते हो एक्सपेक्टेड? यस, 25 × 0.6 एम प्लस में डाला, 15 × 0.1 ये भी एम प्लस में डाला, और 5 × 0.3 ये भी एम प्लस एमआरसी, तो बेटे ये आ गया 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर मतलब ये क्या चीज था जो आपने निकाला? बेटे ये एक्स था, एक्स रिलायंस, और ये क्या था? पी, तो पी को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आया यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, इसको मैं एक लाइन में लिखकर ऐसे लिख रहा हूँ, तो जो आया वो क्या है? समेशन ऑफ पी एक्स, और इसी को हम क्या बोलेंगे? हम एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ओके सर, तो एक बार मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिखवा देता हूँ और फिर एक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला जाए? एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बार, तो कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ पी एक्स, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, और सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? तो बेटे ये देखो, ये तो मालूम है आपको क्यों होता था, अब क्या करोगे? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नहीं होगा बेटे, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी इनटू किससे कर दोगे? प्रोबेबिलिटीज, बस और कुछ नहीं, बस आपको एक ही बात याद, अगर ईयर दिया है तो डिवाइडेड बाय एन, अगर ईयर नहीं दिया प्रोबेबिलिटी दे दिया तो इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, अल्टीमेटली एवरेज ही हो गए। ठीक है, अब एक काम करते, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो तरीके हो गए, या तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन हो या तो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन, पास्ट की इन्फॉर्मेशन हो तो फिर पी नहीं लिखेंगे डिवाइडेड बाय एन, पी नहीं लिखोगे डिवाइडेड बाय एन, पर अगर प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? पी से होगा, एन नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे इस बात को समझते हैं हम लोग। मान लो ये लीजिए एग्जाम्पल, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी और क्या लिखा रहेगा? रिटर्न।
वो बताएगा कि देखो 0.25 प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न आएगा 25%, 0.30 प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न मिलेगा 15%, फिर बोला 0.25 प्रोबेबिलिटी कि रिटर्न मिलेगा 10%, और पॉइंट इसको 20 ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 होना चाहिए, 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.2, तो बोलेगा 0.25 प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न मिलेगा मान लो 5%। अब की बार जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोबेबिलिटी में दिया है, और आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कैलकुलेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। अब बस टेबल ना ठीक से सेट होगा ना तो दिक्कत नहीं होगी। जब भी प्रोबेबिलिटी दिया होगा सबसे पहले कॉलम जो रहेगा वो रहेगा पी का, प्रोबेबिलिटी का हमेशा, मतलब 0.25, 0.30, 0.20 और 0.25। उसके बाद रिटर्न का नाम लिखेंगे हम एक्स, 25, 15, 10 और 5। बेटे इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 करते अगर ये ईयर होता तो, पर प्रोबेबिलिटी है तो हम डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय एन नहीं होगा, पी इंटू एक्स हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। तो 25 × 0.25 यहाँ आ गया 6.25, 15 × 0.3 यहाँ आ गया 4.50, यहाँ आ गया 2, 5 × 0.25 यहाँ आ गया 1.25। तो ये सीधा सीधा आपका क्या निकला, सर ये तो हमारा पी एक्स नहीं निकला, ये तो हमारा एक्स बार ही निकल गया। यस, 6.25 प्लस 4.5 प्लस 2 प्लस 1.25, तो ये बेटे आ गया 14%। दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया 14, ठीक। अब आगे ये है कि मैं सामने वाले क्लाइंट से बोल रहा हूं कि भाई अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदोगे तो आपको 14% रिटर्न मिलेगा। वो कह रहा अच्छा कैसे निकालना, मैंने कहा देखो यार 25 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। बोले मतलब डेविएशन हो सकता है ना, मैंने कहा हाँ डेविएशन तो हो सकता। बोले कितना डेविएशन हो सकता, मैंने कहा वो मैं बता देता हूँ। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स ये नहीं है, बच्चे बस यही गलती कर लेते, एग्जाम में देख लेना आधे से ज्यादा पेपर में एक्स ये ले लेते, एक्स है ये 25 माइनस 14 करना, इसको एक्स मत ले लेना, ठीक ठीक है सर। तो 25 − 14 = 11, 15 = 1, 10 = −4, 5 = −9। अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। सर क्यों, मैंने बताया था इसका एवरेज करोगे ना तो उसका आंसर जीरो आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, यस उसका आंसर जीरो आएगा। अभी आपका इसका टोटल मारने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है टोटल मार लो। अगर आप टोटल मार रहे हो तो आप टोटल मारने पे 11 + 1 = 12 − 4 − 9, तो ये तो 2 आ रहा है सर। बेटे मैंने कहा एवरेज जीरो आएगा, ठीक है सर। तो एवरेज डिवाइडेड बाय 4, बेटे डिवाइडेड बाय 4 पॉसिबल नहीं है,
प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है क्रॉस वेरीफाई की, पर फिर भी बताइए कितने परसेंट का डेविएशन हो सकता है। 11, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। और कितने का डेविएशन हो सकता है? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। और कितने का डेविएशन हो सकता है? -4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। और कितने का डेविएशन हो सकता है? -9। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये जो आएगा आंसर, ये डेविएशन का एक्सपेक्टेड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और नो डाउट कि ये जीरो ही आने वाला, आप कैलकुलेट करके देख लोगे तो जीरो ही आएगा। अगर देखो 11 इंटू 0.25 एम प्लस, 1 इंटू 0.3 ये भी एम प्लस, 4 माइनस में है इंटू 0.2 ये भी एम प्लस, और 9 भी माइनस में है इंटू 0.25 एम प्लस। एमआरसी करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। बस इसी वजह से, और क्यों आएगा मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं 11 इंटू इक्वल टू 121। ये तो 1 ही आएगा, और ये 16 आएगा, और ये 81 आएगा। सर यहाँ तक ठीक है, अब क्या करना है? अब समस्या है कि ये तो 4 साल का है, ये वेरिएंस ही निकला। वेरिएंस यार, इतना वेरिएंस हो सकता है, इसको मैं वेरिएंस नाम दूंगा, डेविएशन नहीं, वेरिएंस। जब इसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो डेविएशन आ जाएगा। इतना वेरिएंस हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। जोड़ नहीं सकते, जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इंटू क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी। तो कितने का रिटर्न वेरी हो सकता है? 121% स्क्वायर, तो 121 इंटू 0.25, तो आ गया बेटी ये 30.25। 1 इंटू 0.3, ये तो 0.3 ही रहेगा। 16 इंटू 0.2, ये कितना आ गया? 3.20। और 81 इंटू 0.25, तो ये आ गया 20.25। अब जोड़ लेते हैं, प्लस 3.2 प्लस 0.3 प्लस 30.25, तो ये आ गया 54% स्क्वायर। ये आ गया परसेंटेज स्क्वायर। सर परसेंटेज स्क्वायर आ तो गया, बिल्कुल। इसका नाम क्या, क्या आप सर डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे? नहीं बेटे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिक एवरेज हो गया। इसका नाम है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, या तो इसको वेरियंस के नाम से जानते हैं, वेरियंस। पर बात सिर्फ वही बात है कि परसेंटेज स्क्वायर में दे रखा है, तो हमको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड है इसमें। कोई प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो ये सही है, इतना भैया वेरी हो रहा है ऑन एन एवरेज, इतना परसेंटेज स्क्वायर से वेरी होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल होता। हालांकि यही रिस्क है, वेरियंस मतलब रिस्क। पर हमको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर। अगर वेरिएंस की बात करो, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, और इसका स्क्वायर रूट। तो 54% स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 54 का स्क्वायर रूट आ गया 7.35 अप्रोक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7.35% अप्रोक्स। तो दो तरीके हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इन्फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। खास बात है, इसलिए सर ये तो पहला ही टॉपिक चल रहा है, यस इससे क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, और बहुत पहले की बात नहीं किया, अभी अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में आए हुए हैं, इसलिए इन पे हमको क्वेश्चन बनाना जरूरी है। और अगली क्लास उसी की होगी, अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। बस अभी तक मैंने टोटल मिलाकर 3-4 फॉर्मूले बताए हैं, उन फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना घर जाके, वो तो क्वेश्चन के साथ साथ एक भी चीज़ घर जाकर घर में आपको रटना नहीं है।